नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। आपको पता है भाई, अपडेट तो आपके लिए अच्छे आने वाले हैं नहीं, फिर भी हम बात तो भाई जो न्यूज़ है वो तो बतानी पड़ेगी ताकि आपको पता रहेगी। पीएम साहब ने जो कुवैत के जो पीएम है, प्रधानमंत्री मान लो, कुछ भी मान लो, राजा मान लो, उन्होंने घोषणा कर दी है भाई। जी हाँ साथियों, उन्होंने घोषणा क्या करी है, उन लोगों के वीजा रिन्यू नहीं होंगे जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है। जी हाँ साथियों, माजरा क्या है, कैसे क्या इसमें एक ऑप्शन है रहने का, कैसे क्या रहा जा सकता है, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज कुवैत के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कुवैत ने 2 दिसंबर 2020 के लास्ट में भाई अपडेट देने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दूं, एक अपडेट तो छोटा सा ये दिया है कि भाई 1-2 जनवरी से हम जमीन और बंदरगाह खोल देंगे। अब जमीन खोल देंगे, बंदरगाह खोल देंगे, फ्लाइट का नाम तो लिया नहीं, तो हम तो ये मानेंगे कि फ्लाइट अभी ओपन नहीं करेगी। जी हाँ, अब वो हो सकता है उनके आसपास में जो देश है उनके वो काम आ सकते हैं, बाकी हमारे जैसे लोगों के, एशियन कंट्री के, वो तो काम आने वाले है नहीं। बाकी हम बात कर लेते हैं भाई वर्क परमिट वीजा या फिर वर्क जो भी उनका वीजा है, कोई भी वीजा है, 60 साल जिनकी उम्र हो चुकी है उनका वीजा नहीं रिन्यू होगा। 27 से ये कानून लागू कर दिया गया है। आप ये दिमाग में बैठा लें कि भाई क्या पता हो जाएगा, अभी तो कानून बन रहा है, टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और अभी आपके वीजा एक्सपायर हो गया तो वो रिन्यू नहीं होगा। जी हाँ साथियों, इस बात का ध्यान रखें, आपको वो देश छोड़ना पड़ेगा कुवैत से। आप इंडिया के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे नेपाल के हों, किसी भी कंट्रीज के हों, आपको वो देश छोड़ना, आपके पास एक दो ऑप्शन बचते हैं अगर आप कुवैत में रहना चाहते हैं। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री है, तो आप कुवैत में रह सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये बचता है, अगर आप दूसरे तरीके से इलिजिबल है, आपकी फैमिली वहां पे रहती है, आपके बच्चे वहां रहती है, तो आश्रित वीजा के तौर पर आप रह सकते हैं। जी हाँ, आश्रित वीजा का मतलब क्या समझते हो, आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ वहां पे अपने बुढ़ापे के दिन है वो काट सकते हो, अपनी भाषा में बोले तो इससे तो बढ़िया है इंडिया में आके काटिए ना, ताकि परिवार मोहल्ला गली मोहल्लों के साथ आप बैठेंगे, उठेंगे, बातें करोगे। जवानी आपने कुवैत में काट दी तो बुढ़ापा तो कम से कम इंडिया में काट ही सकते हैं, क्योंकि आश्रित वीजा का मतलब होता है कि आप उनकी देखभाल करने के रह रहे हो, आप काम नहीं कर सकते। काम उसी सूरत में कर सकते हो जब आपके पास कॉलेज की डिग्री होगी, यानी 40-50 साल पहले आपने कॉलेज करी होगी तो ये तो डिग्री होगी ना आपके पास। तो ये तो कुवैत सरकार ने एक लठ मारा है, धूल में जिसको बोलते हैं ना मारवाड़ी में, धूल जमीन में लठ मारा है, समझ सकते हैं आप, क्योंकि उनको पता है 50 साल 40 साल पहले के 40 साल पहले किसी ने डिग्री की है। हाँ, हो सकता है कोई अपवाद के तौर पर बहुत 100 में से हजारों में से कोई 2-4-5 बंदे ऐसे मिल जाए, बाकी मुझे तो नहीं लगता भाई, मेरे स्तर पे मैं देखूं तो मुझे कोई नहीं लगता 40 साल पहले के कोई कॉलेज किए हुए बैठे। हाँ, एक आधा बंदा मिल जाता है। तो ये सिचुएशन को एक सरकार ने कर दी है, आप लोगों के ऊपर लागू, जो सख्ती के साथ लागू होगी, कोई उसमें मेन मेक नहीं है कि भाई इधर से करवा ले वीजा रिन्यू, उधर से करवा ले, बिल्कुल भी नहीं होगा, सख्ताई से साथ इसको कानून को लागू कर दिया गया। बस ये अपडेट आपका कुवैत के बारे में थी, आगे अच्छी अपडेट जैसे कोई आती है या बुरी आती है तो भी हम आपको बता ही देंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।